प्लान बन गया है कि पुल क्रॉस करके उस तरफ जा रहा हूँ। किसी लोकल से मैंने पूछ लिया है, इस पुल पे गाड़ी भी जाती है तो बाइक तो जा ही सकती है। वो बोले, उन्होंने बोला था कि वहाँ से तो गाड़ियाँ जाती हैं, मोटरसाइकिल की तो क्या ही बात। Alright everybody, welcome back to the channel. This is the last day of my stay here with ETU. आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ भरमौर, लेकिन भरमौर जाने से पहले एक क्विक टूर जो रह रहा है वो है, हम नीचे एक रिवर स्ट्रीम है वहाँ जाने वाले हैं। हम वहाँ पे वी आर गोइंग टू फ्लाई द ड्रोन, हैव अ ब्यूटिफुल टाइम, मे बी ईट सम फूड देयर, एंड देन मेरी भरमौर की जर्नी आगे। एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, पहले का USP है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, और वो काइंड ऑफ ट्रू भी है, क्योंकि पहले दिन काफ़ी टूरिस्टी वाला एक्सपीरियंस था, दूसरे दिन काफ़ी ऑफबीट विलेज कल्चर वाला एक्सपीरियंस था। अगर आप और ज़्यादा दिन रहते हो तो आज जैसे ही कुछ इन्होंने पिकनिक कुछ ट्रैक्स जो है वो प्लान किए थे। तो पिकनिक वाला स्पॉट अबाउट 2 किलोमीटर है होम स्टे से, सो आई थॉट आई मे बी गो हैव अ क्विक विजिट और फिर मैं निकलता हूँ घुमाओ के लिए। Every rock, no? It has a Instagram picture perfect spot. वो देखो, आप किसी भी पत्थर पे खड़े हो and get some good pictures click. गर्मी के टाइम पे अगर आओ तो आई थिंक यहाँ आ भी सकते हो आराम से, आने के लिए है ना, इसके अंदर पानी में। हाँ, एक और बड़ा है आगे। अच्छा, वो और गहरा है। दाल किस पे बन रही है? दाल किधर है? दाल का है। ऑलराइट एवरीबॉडी, दीस वर द फ्यू एक्टिविटीज जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। नेटिंग एक्सपीरियंस पॉसिबल है, यू कैन कुक योर फूड हियर, यू कैन हैव गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स फैमिली। अगर आप अच्छे मौसम में आते हो, गर्मी के टाइम पे आते हो, यू कैन इवन बेथ हियर। देयर आर फ्यू नेचुरल पूल्स हियर वेयर यू कैन बेथ एंड हैव अ गुड टाइम। सो पैक अप हो चुका है, नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर प्लेस। नहीं, कितनी गंदा भैया। यू सी दैट माउंटेन रेंज, उधर पे है गेस्ट हाउस जहाँ से मैं आया हूँ, ETU का होम स्टे। और ये वो सेम रिवर है जहाँ पे हमने पिकनिक करी थी, समवेयर डाउन देयर, सो अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम दी होम स्टे। ऑलराइट गाइस, वापस आ गए हैं ETU में, सामान एकदम पैक हो चुका है, अब यहाँ से निकलना है भरमौर, जो कि है यहाँ से अबाउट 3 आवर्स राइड अवे। इससे पहले कि यहाँ से निकलूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इस गेस्ट हाउस का भी देता हूँ, क्योंकि पूरी एक्टिविटी मैं उन लोगों के साथ ही कर रहा हूँ, ETU के साथ। एवरी डे न्यू एक्सपीरियंस जो उनका टैगलाइन है। तो आप अगर ये सेम एक्टिविटी करोगे एंड यू एंड अप स्टेइंग हियर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्या सेटिंग मिलने वाली है। तो बिग मैसिव स्पेस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ओपन स्पेसिस मिल जाएंगे अगर आप
दोस्तों के साथ आ रहे हो, काफ़ी अच्छी जगह है गेम्स खेलने के लिए, बोन फायर करने के लिए। तो कुछ आपको परमानेंट स्टे का अगर चाहिए तो यहाँ पे दो रूम है, वहाँ पे एक रूम है, और यहाँ पे जो प्रदीप केयर टेकर हमारे भैया वो रहते हैं। उसके अलावा ये हो गया आपका एक रस्टिक कॉटेज, जहाँ पे आपको अंदर कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा हुक्का। तो ये जो कॉटेजेस हैं, दो हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। एक ऊपर अभी बन रहा है, वो रेडी नहीं है। दो बेड्स उसमें, दो बेड्स इसमें। ये था मेरा रूम, तो थोड़ा सा मेसी है, मैं आपको सही वाला रूम दिखा देता हूँ। बोन फायर एरिया नीचे, और हमारे प्रदीप भैया उठ गए जी। रात को आपने पार्टी वूटी करी है सुबह 4 बजे। तो इस जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप मेरे ब्लॉग पे पढ़ ही लोगे, वहाँ पे मैं आइटनरी शेयर करता रहूँगा। फर्स्ट डे की आइटनरी जो थोड़ी सी टूरिस्टी वाला एक्सपीरियंस था, हम लोग डलहौजी गए, काला टॉप गए, कुछ ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स किए, खजियार गए। सेकेंड डे जो था आइटनरी में, थोड़ा सा विलेज एक्सपीरियंस था, और एक पुराना मंदिर एन एन वाटरफॉल वहाँ गए थे, तो सेकंड डे की आइटनरी थी। तीसरे दिन नाग पिंतरू एक अच्छा और टेंपल है, व्यू पॉइंट है, वो रहता है इन लोगों का, लेकिन वो मैं आज नहीं कर रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ भरमौर, 3 दिन भरमौर घूमूंगा, और वो जो नाग पिंतरू वाला एक्सपीरियंस जो बच गया वो करूँगा वापसी में, ताकि थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो जाए। तो टोटल 7 डेज की आइटनरी रहती है इन लोग की। आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हो, मेरे ब्लॉग पे मैंने डिटेल्ड ब्लॉग्स लिख दिए हैं, वहाँ पढ़ सकते हो। तो अभी क्विकली पैक करते हैं सामान यहाँ से और निकलते हैं 3 आवर्स राइड फ्रॉम हियर टू भरमौर।